नमस्कार दोस्तों, GSTR 2 भी अब पोर्टल पे लाइव कर दिया गया है। इसको हम कैसे देखेंगे? इसके लिए आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके आपको रिटर्न्स डैशबोर्ड पे, और उसके बाद आप रिटर्न्स डैशबोर्ड पे जा करके आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, और मंथ मान लीजिए मैं जुलाई का लेके चलता हूँ, तो आप देखेंगे GSTR 2B का ऑप्शन अब आ चुका है। अब आपके सामने पहले GSTR 1, 2A, 3B और GSTR का ये कंपैरिजन सीट होता था। अब आपके पास GSTR 2B जो कि ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है वो अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले ये जान लीजिए GSTR 2B में जो आपका क्रेडिटर्स अपना GSTR 1, 5 और 6 अपलोड करेगा जो बिल, उसका सारा डिटेल आपको दिखाया जाएगा। और GSTR 2B हर एक महीना का अगले महीने के 12 तारीख को जनरेट होगा, और जब जनरेट होगा तो आपको बकायदा आपको मोबाइल पे SMS और ईमेल किया जाएगा कि GSTR 2B जनरेट हो चुका है। अब इसको देखने के लिए मैं बता दिया हूं, मैं एक बार व्यू कर लेता हूं। मतलब 12 तारीख का मतलब क्या होगा, अगर जुलाई के ही अगर हम बात करें तो जुलाई का आपको 31 जुलाई तक का जो आपका डेटा है वो आपको अवेलेबल होगा पोर्टल पे अगस्त 12 को, 12 अगस्त 2020 को, यानी रात के 11 अगस्त की रात को 11:59 तक जितने भी अपलोड होंगे वो सारे के सारे 12 तारीख को आपको शो करेंगे पोर्टल पे। अब इस तरह से आपका आ जाएगा आपके सामने पे जुलाई महीने का ITC कितना अवेलेबल है वो सारा आपको आ जाएगा, टेबल नंबर वाइज आएगा, और इसमें ITC नोट अवेलेबल उसका भी डिटेल आपका सारा आएगा टेबल वाइज। तो इस टेबल को आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे व्यू एडवाइजरी है, एडवाइजरी को डाउनलोड कर लीजिए। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ GSTR 2B का एडवाइजरी। आप कैसे एडवाइजरी डाउनलोड करना है ये भी मैं बता दिया हूँ। इसमें एक एक चीज को आप पढ़ लीजिएगा कि किस टेबल में क्या पाया जाएगा ताकि आपको इजी होगा, ठीक है। अब यहां से आप चाहें तो डाउनलोड GSTR 2B समरी PDF में या एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ITC अवेलेबल का है, कितना आपके पास अवेलेबल था। उसके बाद अगर आप देखना चाहें ऑल टेबल्स, तो यहाँ पे आप ऑल टेबल्स में जाकर के देखिए, आपको एक एक पार्टी का नाम वाइज बिल वाइज सारा डिटेल रहता है। आप यहाँ फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर के लिए आप इनवॉइस डेट ले सकते हैं, इनवॉइस का टाइप ले सकते हैं क्या कौन सा टाइप है, उसके बाद रिवर्स चार्ज का है कि नहीं है, यस नो करना है, GSTR 1 या 5 का फाइलिंग डेट ले लेना है, ITC अवेलेबिलिटी देख लेना है, अप्लीकेबल परसेंटेज और टैक्स रेट देख लेना है, और उसके बाद अप्लाई करके आप उस तरह से भी अपने डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं 12 तारीख का आपको बताया हूं, इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या है ये सच्चाई। तो इसके लिए हम देखेंगे अगस्त के महीने का, क्योंकि अगस्त का भी 12 तारीख नहीं आया है, तो आप यहाँ पे 2021 कर दीजिए, और अगस्त का जब आप चेक करेंगे GSTR 2B व्यू में जा करके, तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्लियरली कि फॉर्म GSTR 2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट दैट इज 11th September 2020। यानी अगस्त का आपको 11 सितंबर को अवेलेबल होगा, कट ऑफ डेट इसका है, और उसी समय आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसमें ना सबसे अच्छी बात आपको क्या देखने को मिला है कि हर एक टेबल में आपको मतलब बायफिक्रेट करके दिया गया है, और याद रखना है यहाँ पे आप कि रिको ना करना मत भूल जाना, रिकन्सिलेशन जरूर करते रहना, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये आदत होनी चाहिए आपको। GSTR 1, 5 और 6 का डेटा यहाँ अवेलेबल रहेगा। GSTR 1 क्या होता है, जिसको रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करते हैं, GSTR 5 आपको नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर के लिए, और GSTR 6 आपको IST वालों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एडवाइजरी भी मैं आपको बता दिया। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।